मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार गैंग। मदरसे से लगकर बनाए जा रहे बांध काम पर मनपा ने हथौड़ा चलाया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। कलवा के भास्कर नगर में एक मदरसा है और उस मदरसे से बिल्कुल लगकर ही बांध काम किया जा रहा था। मदरसे के कुछ जिम्मेदारों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि मदरसा काफ़ी पहले से है, मगर मदरसे में पढ़ने वाली 15 से 16 वर्ष की जो लड़कियां हैं उनको पढ़ने के लिए मदरसे से बिल्कुल लगकर ही ज़मीन ली गई थी और इसी ज़मीन पर बांध काम किया जा रहा था। हालांकि इस बांध काम के निर्माण की परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी, इसके बारे में जिम्मेदार कुछ भी कन्फर्म नहीं कर पाए। मनपा प्रशासन को जब ये शिकायत मिलने के बाद मनपा प्रशासन दलबल के साथ वहां पर पहुंची और इस बांध काम को तोड़ दिया गया है। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। वहीं मदरसे के जिम्मेदारों का कहना है कि कार्रवाई से पहले नोटिस देना चाहिए था, मगर किसी भी तरह का नोटिस नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये कार्रवाई को लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है और लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ लोगों ने कहा है आपको सुना। हजरत, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीउल्ला। मस्जिद में आपकी क्या पोस्ट है ये बताइए। मैं इमामत करता हूँ और बच्चों को पढ़ाता हूँ। यहाँ पर क्या मसला हुआ है? कितने लोग? मसला तो कुछ अपने को मालूम नहीं कि क्यों पुलिस आई। मस्जिद तोड़ी गई, पुलिस आई, लेकिन क्यों तो आई पुलिस? मस्जिद या मदरसा? मदरसा है जो अभी बन रहा था, ये बच्चियों के लिए, जो बड़ी उम्र की बच्चियां हैं ये उनको मस्जिद में नहीं ले सकते, 15 साल 16 साल उनके लिए, कि लेडीज ही पढ़ाएगी उनको और उनका एकदम सेपरेट रूम रहता, उसके लिए वो बन रहा था। तो कब से बनाया जा रहा था ये? तकरीबन 15-20-22 दिन हुआ जी। तो मस्जिद ट्रस्ट की निगरानी में बनाया जा रहा है? नहीं, ट्रस्ट की निगरानी में। तो ये जगह जो है जहाँ पे मदरसा बन रहा था, हाँ, तो वो पहले मस्जिद की जगह थी या बाद में आप लोगों? नहीं, पहले जो है किसी और की थी, हमने लिया है वो बच्चियों का मदरसा कायम करने के लिए। खाली जगह थी या वहाँ पे कुछ था पहले? रूम था पहले। हाँ, तो ये जिस तरह से देख रहे हैं कि 2 मंजिले का बन रहा था मदरसा, हाँ, तो पहले वो रूम भी उतना ही बड़ा था? उतना बड़ा था, लंबाई चौड़ाई तो उतना ही थी, बल्कि जो है सिंगल था, पतरे का था वो। तो क्या मतलब इस तरह से आके म्यूनसिपालिटी ने तोड़फोड़ की, लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें आने भी नहीं दिया गया, महिलाओं को भी यहाँ पे आने नहीं दिया गया, बाद में जब हंगामा हुआ तो फिर यहाँ पर लोग पहुंचे, तब तक पूरी तरह से इसको ध्वस्त कर दिया। पुलिस आई क्यों वो अपने को मालूम नहीं, अपने को नोटिस भी नहीं आया पहले कि जो है ये कुछ मसला है कि जो तोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ अपने को नोटिस नहीं आई। नोटिस भी नहीं आई। तो अभी आपने यहाँ के ट्रस्टियों से रब्ता किया इस ताल्लुक से? हाँ, रब्ता किया। क्या बोल रहे हैं? उनका कहना है कि भाई हम जो है काम कर रहे हैं, वो है नहीं यार, बाहर अभी। महिला का मदरसा जो बड़ी उम्र की लड़कियां होती है उसके लिए मदरसे का ताउन रखा गया था, उसका करीब ये जगह ली गई थी पिछले साल लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन चल रहा था तभी लिया गया था उसको, और उसको इसी इरादे से लिया था कि जो बड़ी उम्र की लड़कियां हमारे ही मकतब में पढ़ चुकी है, 12 साल की उम्र ज्यादा हो गई, आबा हो गई है, अब उनका मकतब और मदरसे में आना वो दुरुस्त नहीं है, तो इसलिए उनके लिए जो है वापस ये बाजू में एक जगह लेकर और आवाम के चंदे से उसको लेकर जो है उसको तामीर किया गया था, और ये धीरे धीरे इसका ये जो है धीरे धीरे जो है आवाम से जो है कई बार इससे जो चंदे के लिए जो है ऐलान किया गया कि चंदा करें, मस्जिद के अंदर जो मदरसा है इसके अंदर जो भी काम हो धीरे धीरे, मतलब जो है तो करीब ये पिछले ऐलान तो रमजान से चल रहा है समझिए, मगर अभी जाकर जो है 20-25 दिन जो भी हुए, 15-20 दिन, तो धीरे धीरे काम जो शुरू हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ परमिशन वगैरह या कुछ पेपर्स इस ताल्लुक से म्यूनसिपालिटी में आपने? परमिशन के लिए देखिए, परमिशन के लिए गए तो थे, तो शायद परमिशन मिली नहीं थी अव्वलन तो, या दूसरी बात जो परमिशन है वो जिम्मेदारों को पता है कि या होगा या नहीं होगा, ये तो मैं इस बारे में ताल्लुक बता नहीं सकता पूरा, मगर इतना है जैसे आज तोड़ने के लिए आए तो ये आने से पहले हमें एक लेटर देना चाहिए ना आवाम को, यहाँ पर जो है जिम्मेदार है या जो भी मस्जिद के अंदर इमाम है या भी, ये तो मैं यहाँ पर मुस्तकिल इससे पहले मैं अचानक ही कार्रवाई शुरू, अचानक आए मस्जिद के अंदर आए और आने के बाद जो तोड़ना शुरू कर दिया, जब वहाँ पे स्टार्ट किया तो किसी को अंदर भी नहीं आने दे रहे। अभी जिस तरह से देखते हैं कि कोई लेटरबाजी का इसको आप में अंदेशा लग रहा है कि किसी ने इसके खिलाफ लेटर डाला हो या किसी ने कुछ हरकत शरपसंदी की हो? ये पुलिस वालों का बयान है, पुलिस वालों का बयान है कि किसी ने कंप्लेंट किया है। अच्छा, किसी ने कंप्लेंट किया, लेकिन बताने को राजी नहीं। तो किस पे है शक, आप फोन कर सकते हैं? ऐसा अभी तो इसके बारे में हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि ये जो है कौन की चीज है, कौन का है ये, इसके अंदर कौन के हनुमान में काम होता है, इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से किसी ने मतलब कलेक्टर को भी मतलब
लिखा है और फिर यहाँ पे भी अर्जी दिया है, कलेक्टर ऑफिस में दिया है, फिर यहाँ पे उनको इंक्वायरी है, तो उसके बाद इन लोगों ने थोड़ी कार्रवाई शुरू की। अच्छा, और वो जो जिसने कंप्लेंट किया है उसके बारे में पूछ रहे, तो वो बोल रहे कि एक से दो दिन लगेगा हमको बताने के लिए। कलेक्टर की तरफ से लोग आए थे तोड़ने के लिए, ऐसा बोलने का प्रशासन का बोलने का वही है कि कलेक्टर की तरफ से उनको जानकारी चाहिए ना, मतलब ऐसा कुछ। और सेकंड चीज, अगर कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, अगर इतना अगर किसी को तकलीफ भी था तो वो एक फ्लोर बनने से पहले भी बोल सकता था, या तो काम शुरू होने से पहले भी किसी को बोल सकता था। और यहाँ की आवाम इतनी अच्छी है कि सबसे मिलजुल के रहते हैं, हर कोई एक दूसरे से मिलकर रहता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, और हर कोई एक दूसरे के दुख में, तकलीफ में, सुख में, सब में शामिल होते हैं। और उसके बावजूद भी अगर किसी को तकलीफ है तो बोल सकता था। यहाँ पे हम लोग हर चीज को देखते हैं, हर किसी के मैटर्स को देखते हैं, हर कोई आता है कुछ ना कुछ, हॉस्पिटल का हो, किसका भी हो, ये सब चीज के लिए जब बोल सकते तो इसके लिए भी बोलो ना, कुछ तकलीफ है तो। और इतना पूरा बनने के बाद उसके बाद कोई कंप्लेंट कर रहा है जाके, मतलब ये इंतजार कर रहे थे कि जाके वो नुकसान, तो मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो इनका। लेकिन मेरा अल्लाह है, अल्लाह मदद करेगा और फिर से काम होगा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, इंशाल्लाह वो बनाएंगे। लेकिन अगर किसी भी भाई को अगर तकलीफ है, आए हमसे बात करे, वो भी हमारे भाई जैसे, और हम लोग उसका हल निकालेंगे भाई। कोई मसला नहीं है, कार्रवाई करना भी था तो एक बार मतलब इन्फॉर्म करना चाहिए था, ताकि मतलब उस पर ताल्लुक, असल में ताल्लुक से पता भी होना चाहिए था। असल में ये पहले तो अव्वल आकर ये पूछना चाहिए था कि ये कर क्या रहे, क्या बना रहे। अगर हम इससे पूछते तो हम बता दें कि क्या जो है महिला बालवाड़ी बना रहे हम, क्योंकि बड़ी उम्र की जो लड़की है वो पढ़ नहीं सकती, अब मदरसे के अंदर आना उनका मुनासिब है। इसको एक मिनट, देखो जब भी ना मतलब वो लोग यहाँ पे आए, पहले नंबर उनका एक नोटिस देना चाहिए, मतलब कुछ तो जानकारी मतलब बतानी चाहिए तोड़ने के लिए आ रहे। उसके बाद अगर कोई मस्जिद के मतलब कुछ पूछने के लिए आ रहे, सर ऐसा क्यों हो रहा है, आगे वो लोग ना कांस्टेबल को कर दिए, ताकि वो लोग डंडा लेके खड़े हो जा रहे, एक दो लोग को मार भी दिए, और सीनियर कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो सर ये तो डायरेक्टली मतलब कुछ तो इन्फॉर्म होना चाहिए था वो चीज के लिए, और सर मतलब कार्रवाई करने के लिए आए। हाँ सर, डायरेक्ट मतलब क्योंकि ये साइड में लेडीज का मतलब इधर का रास्ता पैक कर दिया, वो साइड का पैक कर दिया, बात करने को तैयार नहीं है यहाँ के। अभी चलिए खैर छोड़िए, मस्जिद यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ इस इलाके में कोई जिम्मेदार दूसरा है या नहीं, कोई सियासतदान या कोई यहाँ के दिग्गज लोग आए, कोई आया पहुँचा कि नहीं अब तक यहाँ? असल में जो है हमारे जिम्मेदार है ना, वो जिम्मेदार वहाँ पहुँचे हुए हैं, साहब आने वाले बोले साथ में आएंगे सब इंशाल्लाह, तो उसके ताल्लुक से जो मेरी बात हुई है तो बोले है कि बोल लो खाली आप बात करो, बोले इंशाल्लाह वो आ जाएंगे, कार्रवाई चालू है। कार्रवाई हुई है आज यहाँ पे, और बताया जा रहा है कि उस कार्रवाई के दौरान यहाँ के लोगों का आरोप है कि लेडीज को भी आने नहीं दिया गया, नहीं आने दे रहे थे, डंडा चला रहे थे, बिना नोटिस के बोले आप लोग कलेक्टर ऑफिस जाइए। हम यही सवाल जवाब किए कि जैसे आप लोग दे रहे परमिशन, तो आपको ये परमिशन देना चाहिए था कि आप अगर नोटिस दिए होते ना, तो आप लोग अगर नोटिस दिए होते तो हम लोग उतना कार्रवाई किए, तो इतने पे रोक दिए होते। छोटे बच्चे जैसे 15 साल 16 साल की एक लड़कियां रहती हैं, तो उसमें लेडीज आके पढ़ाती हो, क्योंकि 16 साल के बाद लड़की को जेंट्स नहीं पढ़ा सकते, इसके लिए तो बना रहे थे। हम लोग मना किए कि ऐसा है आप लोग मत तोड़िए, आप लोग का कानून है तो दो चार हथौड़ा मार के छोड़ दीजिए, ज्यादा मत तोड़िए। तो ऊपर का तोड़ने का इन लोग का आदेश था, लेकिन इन लोग जबरदस्ती करके नीचे का तोड़े। हाँ मतलब पहला फ्लोर की जगह उन्होंने नीचे का भी पूरा, हाँ नीचे का पहले तोड़े, अभी जो कि चौथे पचहरे रोज तक का काम हुआ। और इन लोग बोलते तीन मरतबा नोटिस दिया, लेकिन नोटिस इन लोग एक मरतबा भी नहीं दिए। हाँ ऐसा आप लोग क्या मांग करेंगे? हम लोग यही मांग करेंगे कि बिना जबरदस्ती और मस्जिद में कोई था भी नहीं, इन लोग चुप्पे चोर के माफिक आके तोड़ के गए। हमको नोटिस दिए होते तो हमें उसी पे रुक जाते, हमारा पैसा कहाँ से, चंदा कहाँ से, भीख मांग के हम लोग ला के बना रहे अपने तालीम के लिए। जब हम लोग बोले गए तो डंडा से भगाया जा रहा था, डंडा से चला रहे, और वो पुलिस डंडा दिखा रहे थे और भगा रहे थे, जेंट्स लेडीज दोनों, जेंट्स लेडीज, लेडीज से भगाया जा रहा, मतलब जेंट्स भी ऐसे तरीके से बात करो, कलेक्टर ऑफिस जाओ वहाँ बात करो, हम लोग से बात मत करो। जैसे परमिशन पास करता तो हमको नोटिस दिखाइए ना, कि नोटिस दिखाओ, बिना पेपर के कैसे तोड़ रहे हो? कितना तीन माला चार माला घर बनता तो नहीं नोटिस आती, नहीं परमिशन मांगते हमारे मदरसे के लिए, आज नहीं परमिशन उनको आ रहा है, और आने नहीं दे रहे थे, आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, सब डंडे लेके खड़े थे। कल को गरीब आदमी हम लोग का झोपड़पट्टी भी तोड़ देंगे ना, इन लोग के जब निगाह में सील नहीं है, बच्चों के पढ़ने का बोलते, बच्चों क्यों पढ़ा रहे हो यहाँ, बोलते स्कूल में पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओ, क्या हमारा धर्म न पढ़ाए, खाली हिंदी इंग्लिश पढ़ा के क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, जब हमारा धर्म नहीं बच्चे पढ़ेंगे, और पढ़ा रहे थे कि हमारे बच्चे की भविष्य अच्छी रहे, हमारा मेन धर्म उर्दू है, हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे, मजहब हमारा वही है। स्कूल जाते हैं ना आपके बच्चे? जाते हैं, लेकिन हमारा
हो ना, ज्यादा हिंदी हिंदी इंग्लिश सब पढ़ते हैं, लेकिन जो हमको जरूरी है वो भी तो लेना पड़ेगा, लेकिन हमारा उससे कुछ नहीं होगा। मैं धर्म हमारा ये है, हमारा मजहब इस्लाम है, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे तो हिंदी इंग्लिश पढ़ के मतलब नहीं निकलेगा। ये जो मदरसे में नहीं जा सकती पढ़ने के लिए, उनके लिए, औरतों के लिए हैं, जो बड़ी औरतें हैं जिनको समझ नहीं है दीन की, उनके लिए हैं। यहाँ तक मैंने उनके सामने हाथ भी जोड़ी हो कि आप जो तोड़ लिए ठीक है, आप आगे मत तोड़िए, आपको लगता है परमिशन नहीं है ना, हम परमिशन लेंगे उसके बाद खड़ा करेंगे, आपको ऐसा लगता है, लेकिन अब हमारा नुकसान मत करिए। बहुत मेहनत से ये खड़ा हुआ है, इतना हम लोग ने बहुत मेहनत करके इसको खड़ा करे है, आप इसका नुकसान मत करिए। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं हम तोड़ेंगे, हमको ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, हम काम कर रहे हैं। मैं आप काम करिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, आप मत काम करो, लेकिन वहाँ बैठिए और हमारे जो आदमी है जिम्मेदार है उनको आने दीजिए, फिर आप उसके आगे रिएक्शन लीजिए जो करना है आप करिए। ये कितने बजे की बात है जब तोड़ा गया? ये लगभग 12:30 एक बज रहा था। नहीं, एक बज रहा था, एक से पहले 12:30 बजे। कोई जिम्मेदार अभी तक कोई जिम्मेदार यहाँ 12:30 बजे की बात तो जरूरी। हमने इमाम साहब से पूछे तो बोले वो राबोड़ी में है, तो राबोड़ी से वो यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे? तो जरूरी थोड़ी है कि उनसे भी तो आए हैं, उन लोग आए हैं तो रहते नहीं, आए तो इमाम साहब पर आए हैं, रुके हैं, वो रुके हैं, हमको बकायदा हमको समझाए हैं कि जो नुकसान है अल्लाह उसको पूरा कर देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हमको समझाए हैं बेटा, हमको भड़काए भी नहीं, हमको समझाए कि देखो टेंशन मत लो। खाला ने भी अभी कहा और वो आपा ने भी कहा कि पुलिस ने बदतमीजी की है, किसी के साथ ऊंचा ऊंचा हरकत नहीं की है। लेडीज पुलिस ने मुझे धक्का दी थी, हम लोग बढ़ रहे थे आगे तो धक्का दी थी मुझे कि नहीं आगे मत बढ़ो, लेकिन जैन पुलिस ने हाथ वगैरह नहीं लगाया, आप लोग जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, हम लोग बड़े हम लोग यहाँ के रहने वाले तो कहाँ जाएंगे, हम बिल्डिंग में थोड़ी ना रहते कि बिल्डिंग में जाकर बैठेंगे, नहीं किया है वो लोग, हम लोग 40 के झोपड़े के तो झोपड़े में ही रहेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन खाली हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि जितना तोड़े ठीक है, आप किसी का घर तोड़ने आते हैं थोड़ा तोड़ते चले जाते, इसको इतना ज्यादा क्यों तोड़ रहे हैं आप, इसको इतना ज्यादा नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं, बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन उन लोग ने तोड़े नहीं। जब ज्यादा झगड़ा बढ़ा तो फिर वो लोग चुपचाप चले गए, पूरी औरत जमा हो गए ना, तब जाके उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है रोक दे रहा हूँ रोक दे रहा हूँ। मोहम्मद, आप यहाँ के जिम्मेदार है? हाँ जिम्मेदार, मदरसे का मोहल्ले का हूँ, एरिया का हूँ, मदरसा है, बच्चे पढ़ते हैं, मस्जिद है, नमाज भी होती है, बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो अपना अपने एरिया के बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, जिम्मेदार हैं। ये मदरसा खातिन के लिए बनाया जा रहा था, महिलाओं के लिए बनाया जा रहा है? हाँ, बाजू में जो तोड़ दिया गया वो आपने आपने जब यहाँ के नेताओं से संपर्क किया हाँ, तो उनका क्या कहना है? वो लोग बोले कि मतलब बताना चाहिए था पहले, नहीं टूटता, अब पता नहीं किसी ने कंप्लेन किया होगा तो टूटा है। ऐसा किसने कहा कि कंप्लेंट किया? ऐसा नगर सेवक लोग बोल रहे हैं। अच्छा, नगर सेवक? हाँ, नगर सेवक लोग बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं है, टूट गया तो ठीक है, अभी कोई कंप्लेंट किया होगा तो ही टूटा है। अभी आगे के क्या कार्रवाई करेंगे, अब आगे क्या करना चाहते हैं? अब आगे वो पता करने का, किसने तोड़ा है, क्यों तोड़ा, सारा इलाका बन रहा है, सारी झोपड़ पट्टी 200-250 बरस से है यहाँ, सब आबाद बना रहे हैं, किसी का नहीं तोड़ा जा रहा है, खाली मस्जिद आके कंप्लेंट करने की वजह से तोड़ दिया किसी के कंप्लेंट करने की वजह से। और मदरसा ये कई साल से चल रहा है, बाजू में थोड़ी एक जगह थी वही लेके हम लोग उसमें आए, 7 सालों से चल रहा है मदरसा बताया गया? हाँ, और 7-8-10 साल के करीब हुआ, और पहले से चल रहा है ये। वो छोटी सी जगह थी ले ली, उसको लेडीज़ों को पढ़ाने के लिए, जो नहीं पढ़ी हैं या छोटी बच्ची या बड़ी बच्ची जो भी हैं उनके लिए वो बगल में बना के इसी में वो सटा हुआ है, इसके लिए बना रहे थे, बैठने की जगह नहीं थी। हाँ,